अक्टूबर 2019 को सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनमें एक हरिओम कांस्टेबल और विजयपाल कांस्टेबल भी थे। इन लोगों का जरिए दूरभाष अपने साथियों को सूचना दी कि हम लोगों को बजरी माफियाओं ने अपहरण करके हमारे साथ मारपीट करके हमको घायल अवस्था में पटक दिया है। वहाँ पुलिस टीम पहुँची तो जानकारी में आया कि एदल सिंह कंसाना का बेटा बंकू कंसाना है जो लार्ज स्केल पे बजरी की तस्करी में इन्वॉल्व है। उसके साथियों ने इस अंदेशे में कि ये लोग हमारे बजरी के ट्रकों की रेकी कर रहे हैं उनको किडनैप किया, एमपी की तरफ ले गए, वहाँ बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना कोतवाली पर आपराधिक प्रकरण संख्या 405 दिनांक 8/10/2019 को पंजीबद्ध हुआ। इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान कुल 15 व्यक्तियों को दोषी माना गया था जिनमें से 9 व्यक्ति पूर्व में गिरफ्तार हो गए थे। 6 व्यक्ति जिनमें बंकू कंसाना जो एदल सिंह जी हैं उनका पुत्र है वो भी मुलजिम था लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष जो शेष बचे हुए अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास दर्शाते हुए उनके गिरफ्तारी के नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने की मांग की। इसी क्रम में आज न्यायालय श्रीमान CGM धौलपुर द्वारा जो बचे हुए 6 अभियुक्त थे उनके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए हैं। वारंटों की तामील करने के लिए धौलपुर से एक विशेष टीम को सशस्त्र हथियारों के साथ टीम को रवाना किया गया। टीम जहाँ जहाँ पे जो वांछित अभियुक्त हैं उनके ठिकानों की पतासी करके और उनके यहाँ दबिश देगी और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करेगी। सर, इसमें पूर्व में करीब 8 जो मुलजिम थे वो गिरफ्तार गिरफ्तार किए गए हैं जी। तो इस समय 9 पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं, 6 की गिरफ्तारी बाकी है। जो 6 बचे हुए थे उनके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए हैं और उनकी तामील करने के लिए, तामील का अभिप्राय है उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, एक टीम को यहाँ से मध्य प्रदेश भेजा गया।